நமோ இந்தானம், நமோ சித்தானம், நமோ ஆரியானம், நமோ உச்சானம், நமோ லோய திரிகாலவர்த்தி சவசாபம், மங்களம் பகவான் வீரோ, மங்களம் கௌதமோ வீரோ, மங்களம் குந்த குந்தாரியோ, ஜெயன் தர்மோஸ்து மங்களம், சர்வ மங்கல்ய மங்கல்யம், சர்வ கல்யாண காரகம், பிரதானம் சர்வ தர்மானம், ஜெயனம் ஜெயத்து சாசனம், ஓம்கார பிந்து சயுக்தம் நித்யம் தியாயந்தி யோகினம், காமதம் மோக்ஷதம் செய்வ ஓம்காராய நமோ நம. நம சமய சாராய சுவானுபூத்திய சகாசதே சிஸ்வபாவாய பாவாய சர்வ பாவாந்தர்ச்சிதே அக்னாந்தி மிராந்தானாம் ஜ்ஞானா ஜன் சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேனம் தஸ்மே ஸ்ரீ குருவே நம. ஆத்மா ஜ்ஞானம் ஸ்வயம் ஜ்ஞானம் ஜ்ஞானாத் அந்யத் கரோதி கிம் பர்பாவஸ்ய கர்த்தாத்மா மோஹோ யம் வ்யவஹாரிணம். மங்கள்மய மங்கள்கரண் வீதராக விஜ்ஞான நமுத ஹி ஜாதே பயே ஹரிஹந்தாதி மகான். ஓம் நம சிதேவிய நம சிதேவிய நம சிதேவிய. वर्तमान युग में इस महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान का महाविदेह जाना और उस समय उस सभा के अंदर में गुरुदेव श्री की और पूज्य दोनों बहनों की उपस्थिति रहना और वहाँ से भरत क्षेत्र पर आकर पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा जो तूफान चला अध्यात्म का, जिसने सारे पाखंडों के महल को ढा दिया, ऐसे गुरुदेव श्री को इस युग में अपने पाया वह सही में अपना सभी का परम परम सौभाग्य है। गुरुदेव श्री के बिना महावीर परमात्मा के शासन की कल्पना भी भयभीत कर देती है, क्योंकि जिस वक्त गुरुदेव ने परिवर्तन किया उस वक्त जैन शासन की स्थिति यह थी कि पुण्य से धर्म और पाप से अधर्म, जो सारी संप्रदाय की स्थिति थी वही स्थिति जैन दर्शन की भी थी। लेकिन इस पुरुष ने अपने बाहुबल से अकेले हाथ से हम सभी के लिए सिंह की तरह पुरुष जजुमा, जिन्होंने जगत की परवाह किए बिना कुनकुन आचार्य भगवान के आमनाई पे महावीर शासन के पथ पे आगे बढ़ता चला। और इस गुरुदेव श्री के जीवन में दो महिला रत्न यानी कि भूतकाल के गुरुदेव श्री के दोनों मित्र, राजकुमार के दोनों मित्र, वो भी गुरुदेव के पीछे पीछे भरत क्षेत्र आए। जहाँ जहाँ गुरुदेव श्री का चातुर्मास होता था वहाँ वहाँ आए लोग जाते थे। पहले पूज्य शांताबेन को गुरुदेव श्री का परिचय हुआ, बाद में पूज्य बैनश्री को हुआ। गुरुदेव श्री का परिचय हुआ इतना ही नहीं, लेकिन अल्प आयु की उम्र में पूज्य बैनश्री ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और दो वर्ष के अंदर अंदर पूज्य बहन ने भी आत्मानुभूति प्राप्त की। गुरुदेव श्री को समय सार हाथ आया और अढ़ाई महीना में सम्यक दर्शन हुआ। एक ऐसा सुवर्ण युग की रचना हुई है जो भरत क्षेत्र के अंदर में 18,500 वर्ष तक जैन शासन का जय घोष करती रहेगी। पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से जो अमृतमय वचन
पूज्य बैनश्री और बैन के बारे में जो निकले हैं वो अपन देखेंगे। चैतन्य अमृत रसिया पूज्य शांताबेन के जो पुस्तिका है उसके माध्यम से 101 नंबर पृष्ठ है। पूज्य श्री कृपाणु गुरुदेव ना मुख्य निकड़ेल अमृतमय वचनों, आ बन्ने बहनोनी ज्ञाननी ताकतनी तो शू बात। देखिए सुबह में और दोपहर में तो अपन आचार्य भगवान के नियम सार 71, 72, 73 कलश पे स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन ये प्रसंग के अनुपात पूज्य बहन की 108वीं जन्म जयंती भी आ रही है तो अपन बहन का जीवन कैसा था और पात्रता किसको कहते हैं और आत्मा अनुभूति की लगनी कैसी होती है, किस विधि से अनुभव होता है, उसकी धुन, उसकी लगन, उसकी तत्परता, उसकी उग्रता, उसकी ऊर्ध्वता किस प्रकार की होती है, वो उनके जीवन के अंदर में यदि देखा जाए तो अत्यंत स्पष्ट रूप से ये बात निखर के आएगी जो बात पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, आप बनने बेनोनी ज्ञाननी ताकतनी तो शू बात। किसकी ताकत की बात कर रहे हैं? ज्ञाननी ताकतनी तो शू बात, अहो एनी ज्ञाननी ताकत। ये ज्ञान ज्यारे फाट से त्यारे फड़क कतु खिली जैसे क्षणवरमा तो केवल ज्ञान ले से। दर्शन विशुद्धि तो खरी, ए दर्शन विशुद्धि उपरांत ज्ञाननी ताकत पण घणी। ज्ञान की ताकत माने क्या? ज्ञाननी निर्मळता घणी। व्याख्यानमां नवो न्याय आवे त्यारे सांभळता सांभळता एमनी आँखोनी चेष्टा उपरथी तेओनो उत्साह अने विनय देखाय आवे। एमनी आँखोनी चेष्टा पण जुदी जातनी, जाणे थीजी गया, थंभी गया, स्थिर थी गया, लीन थी गया। अहो शांताबेन एमना आत्मानी केवी पात्रता, अने साथे एमनो पुण्य पण केवा के एमने आवा चंपाबेनो योग मळी गयो। चंपाबेन तथा शांताबेन सिवाय बीजू कोई भक्ति में भळी न सके, जिन्होंने भक्ति को सोनगढ़ में देखा है, भक्ति का रसास्वादन किया है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि दो बहन गा रही है ना एक बहन गा रही है। तारतम्यता, चढ़ाव उतार, मैंने पता ही नहीं चलता कि कहाँ से भक्ति का सुर आ रहा है। और जिस भक्ति के अंदर में गुरुदेव की उपस्थिति हो, मैंने आप सुगानी जी के शब्दों में कहे तो एक बार भक्ति समाप्त हो गई, सारा समुदाय उठ के चला गया और सुगानी जी भगवान के सामने बैठे रह गए और उसके आँख में से अश्रु जा रहे थे, अश्रु धारा बह रहे। पूछा गया कि साहब आप क्यों आँख में अश्रु क्यों, तो कि मुझे दोनों बहनों की जैसी भक्ति नहीं आती। अब क्या होगा उस भक्ति का स्वरूप? ये बन्ने बहनों तो एक ज कहवाय, एमना शरीर बे छे पण जीव एक छे। बहनश्री और बहन शरीर दो है लेकिन जीव एक है। एक शरीर में तो अनेक जीवो होय परंतु आ तो बे शरीर में एक जीव छे। एक शरीर में तो अनंत जीव हो लेकिन ये तो दो शरीर में एक जीव है। एमनो एवो अंतरनो मेळ छे। जिन्होंने गुरुदेव श्री के परिवर्तन से लेकर अंतिम समय तक जिस तरह से गुरुदेव श्री का साथ निभाया, जिस तरह से शासन की सेवा की, ये सेवा भी इतनी अनमोल थी कि जिसका मोल गाया नहीं जाता। आश्चर्यकारी भक्ति थी गुरुदेव श्री के प्रति।
और गुरुदेव श्री की छोटी सी छोटी बात की ध्यान ये दो बहनें जिस तरह से लेती थी, मने ये बात समझने में देर नहीं लगती कि सही में ये गुरुदेव श्री तीर्थंकर तत्व और ये दोनों बहनों गणधर तत्व ही हो सकते हैं। उसके बिना ऐसा भक्ति का रूप नहीं हो सकता। कोई अद्भुत अलौकिक भक्ति। गुरुदेव श्री विहार में जाए तो एक दिन आगे आगे जो नेक्स्ट स्टेशन हो वहाँ पे चले जाए, गुरुदेव श्री की सारी छोटी सी छोटी व्यवस्था, गुरुदेव श्री कहाँ रहेंगे, कहाँ प्रवचन करेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ आहार लेंगे, सारी व्यवस्था, कौन कौन ब्रह्मचारी बहनें पहुँच गई है, मैंने छोटी सी छोटी बात का ध्यान इस तरह से रहते हैं। एक गुरु के प्रति समर्पणता क्या होती है, गुरु भक्ति क्या होती है, वो यदि देखना है तो दोनों बहनों के जीवन को आप देख लो, अद्भुत और अलौकिक। अभी ये चार दिनों में अपन पूज्य बहन के साथ में जो तत्व चर्चा है उसमें से कोई कोई खास खास जो प्रश्नोत्तर है वो, और दोनों बहन को जो सम्यक दर्शन हुआ उसकी गुरुदेव श्री ने परीक्षा लेने के लिए 5 प्रश्न दिए थे, उस प्रश्न का उत्तर किस तरह से दिया गया था उस जमाने के अंदर में, वो भी एक अद्भुत और अलौकिक है। अपन देखते हैं पूज्य बहन के साथ तत्व चर्चा में से जिसे 4 नंबर का प्रश्न है, पृष्ठ संख्या 116, उसको ये पूछा गया बहन को कि आपनी सम्यक दर्शननी पर्याय शू काम करे छे। उत्तर, पूज्य गुरुदेवना प्रतापे मारा आत्मामां सम्यक दर्शन अने सम्यक ज्ञाननी जे शुद्ध धर्मरूप पर्याय प्रगटी छे ते निरंतर धर्मनु कार्य करे छे। क्या कहती है? पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से जिस गुरु ने भगवान आत्मा को बतलाया, जिस गुरु के उपदेश से, देखिए एक ऐसी घटना है, कुछ समय पहले एक विद्वान से चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव को सम्यक दर्शन परिवर्तन के बाद हुआ था, तो मैंने उनसे 3-4 प्रश्न किए थे। सबसे पहली बात तो यह है कि समयसार पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में विक्रम संवत 1978 में आया हाथ में, और 2.5 महीना के अंदर अंदर गुरुदेव श्री को सम्यक दर्शन विछिया के उपाश्रय में हुआ। अब किसी का कहना यह था कि वो तो स्थानकवासी संप्रदाय में थे, कैसे हुआ सम्यक दर्शन? तो मेरा प्रश्न यह था कि नियम ऐसा है, भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में होता है, होता है कि नहीं होता? इस युग के अंदर में 20 तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ और 4 का अन्य अन्य जगह पे हुआ, क्यों ऐसा? तो उनका प्रश्न उत्तर यह था कि इस युग का अपवाद है। अच्छी बात है, 24 तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में ये परिपाटी है, इसी तरह से 24 तीर्थंकर का मोक्ष समय शिखर से ये भी परिपाटी है। इस युग में 20 तीर्थंकर का मोक्ष समय शिखर से हुआ और बाकी 4 का अन्य अन्य स्थल पे हुआ, महावीर भगवान का पावापुरी, नेमिनाथ भगवान का गिरनार, ऋषभदेव भगवान का कैलाश पर्वत और वासुपूज्य भगवान का चंपापुर। तो ऐसा क्यों? ठीक है, ये भी इस युग का अपवाद है। ठीक है,
आगमों में ऐसा आता है कि जो तीर्थंकर पुरुष होते हैं उसके यहाँ गृहस्थ अवस्था में पुत्र रत्न का जन्म होता है, पुत्रियों का जन्म नहीं होता। आदिनाथ भगवान के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ या नहीं हुआ? तो हुआ, ये भी इस युग का अपवाद है। भरत क्षेत्र का जीव सदैव माँ विदेह नहीं जा सकता। कुंदकुन आचार्य भगवान सदैव माँ विदेह गए कि नहीं गए और फिर वापस लौटे कि नहीं लौटे, बोले ये भी इस युग का अपवाद है। मैंने कहा कि गुरुदेव श्री को स्थानकवासी संप्रदाय में 2.5 महीने के अंदर अंदर भाव परिवर्तन होकर जो सम्यक दर्शन हुआ, ये भी इस युग का अपवाद है। फिर 13 वर्ष तक जिनवाणी का मंथन किया कि अभी हम संप्रदाय छोड़कर दिगंबर मार्ग को अपना लेंगे, तो दिगंबर शास्त्रों में क्या भरा पड़ा है। 13 वर्ष तक उसका समुद्र मंथन चला और समुद्र मंथन करते करते उन्होंने परिवर्तन, द्रव्य परिवर्तन 1991 में किया। अभी इसी बीच में पूज्य बहन श्री और पूज्य बहन ये दोनों का भी गुरुदेव श्री से परिचय हुआ, गुरुदेव श्री की नियमित वाणी सुनी और ये दोनों बहनों को भी उसी काल के अंदर में सम्यक दर्शन हुआ, गुरुदेव श्री के परिवर्तन के पहले। निमित्त था ज्ञानी पुरुष और उस ज्ञानी पुरुष के निमित्त से दोनों बहनों को भी सम्यक दर्शन हुआ। तो ये बात अपन अच्छी तरह से समझे कि पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने हाथ से भी लिखा है कि बन्ने बहनों ने सम्यक ज्ञान छे, इस पुस्तिका के अंदर में छपा हुआ है प्रश्न संख्या 103 पे, सम्यक ज्ञान बन्ने बहन ने सम्यक ज्ञान छे, ये परीक्षा लेने के पश्चात गुरुदेव ने लिखा है। तो अपन चले मूल बात के ऊपर। मेरा कहने का आश्रय यह था कि इस युग के अंदर में पूज्य बहन श्री को कौन सी उम्र पे सम्यक ज्ञान हुआ, सारा मुमुक्षु समाज को विदित है। पूज्य बहन को भी किस उम्र में सम्यक ज्ञान हुआ, यदि गुरुदेव श्री को 33 साल में, बहन श्री को 17 साल में, बहन को 23 साल के उम्र में सम्यक ज्ञान हुआ, तो यह आत्मा की अनुभूति सरल ही होनी चाहिए, कठिन नहीं होती। कौन से शास्त्र थे उनके पास में? गुरुदेव श्री ने तो समय सार हाथ में लेकर पढ़ा था, लेकिन दोनों बहनों ने क्या पढ़ा? गुरुदेव श्री की वाणी और श्रीमद का पुस्तक, बस इतना सा था उनके पास में और आत्मा की अनुभूति हो गई। तो ये वस्तु व्यवस्था सरल होनी चाहिए, कठिन नहीं हो सकती। कठिन जीव ने मान रखा है उसलिए कठिन दिखता है, लेकिन कठिन है नहीं बिल्कुल। स्वभाव कठिन हो, ये बात तो कहाँ से आई, यही मेरे को समझ में नहीं आती। देखिए क्या कहते हैं, अने मारा आत्मा में सम्यक दर्शन अने सम्यक ज्ञानी शुद्ध धर्मरूप पर्याय प्रकटि छे, ते निरंतर धर्मनु कार्य करे छे। रागादिना विकल्प आवे पण ते ऊपर ऊपर ज रहे छे। जेम तेलनु बिंदु शुद्ध पाणी में ऊपर ऊपर तरे छे, तेम रागादि विकल्प शुद्ध धर्म प्रगट्यो छे, तेमा ते रागादि विकल्प प्रवेश करता ज नथी। कोई प्रवेश नहीं है उनका वहाँ पे। कुटुंब प्रत्ये राग छे जेथी विकल्प आवी जाय छे, बाकी खाता पीता बोलता चालता ते बधी बाहरनी प्रवृत्ति में मारो प्रगटेलो शुद्ध धर्म तो निरंतर परिणमी रह्यो छे। एक बार आत्मा की अनुभूति हुई तो फिर वो बारंबार होती रहती है, निरंतर परिणमी रह्यो छे, अने ते शांति समाधि रूपे ज निरंतर परिणमे छे। शांति और समाधि रूप निरंतर परिणमता है। मारा आत्मा में जे धर्म प्रगट्यो छे ते निरंतर वृद्धिगत छे। अनुभूति हुई सो हुई, निरंतरता तो है लेकिन निरंतर वृद्धिगत है। ने ते प्रगटेली धर्मरूप शुद्ध परिणति कोई रोकी सके तेम नथी। जे कोई रागादिना विकल्प आवे ते पण रसकस वगरना अने तुच्छ होय छे। बीजाने तेनो ख्याल आवो मुश्किल छे। ज्ञानी के अंतरंग में क्या चलता है जगत के जीवों को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बाहर से दिखने वाली चीज नहीं है। अनुभूति अंदर में स्वसंवेदन की वस्तु है। अब जिसको स्वसंवेदन होता है उसको पता चलता है स्वसंवेदन क्या है, कैसा है।
दिखता है आचरण, अनुभव नहीं दिखता है। जबकि ज्ञानी का अनुभव ही देखने लायक होता है, आचरण तो भूमिका के अनुसार होता है। फिर प्रश्न आना माटे कितलो समय लागे, ये जो सम्यक दर्शन की जो बात आपने कही कि आपकी निरंतरता चलती है, परिणति जो प्रकट हुई उसको कोई रोक नहीं सकता, अंदर में चलने वाली व्यवस्था है, बाहर से दिखती नहीं, राग रसकस बिना का हो गया, तो भी इसको प्राप्त करने में समय कितलो लागे है? तो उत्तर कहे आना माटे समय नी मर्यादा नथी। हाँ, मारा मां ज बधु सुख छे, माटे बाहर मां जावा नाखे नहीं, मारा घर मां ज बधु निदान पड्यू छे। बाहर जावा नाखवानू छोड़ी दे, बाहर जावा नाखवानू एटले बाहर एटले शू? પોતાના ત્રિકાળ ગ્યાયક સ્વભાવને છોડીને બધું બહાર છે, રાગનો મારે અભાવ કરવો છે, કર્મનો મારે નાશ કરવો છે, શુદ્ધતા પ્રગટ કરવી છે, એ બધા બહારના જાવા છે। હું જ પૂર્ણ સ્વરૂપ છું, બસ એ અંતર કી બાત હૈ। પૂર્ણ સ્વરૂપ છું એવો દ્રઢ નિશ્ચય છે, દ્રઢ નિશ્ચય, હું પૂર્ણ સ્વરૂપ છું, હું પૂર્ણ પરમાત્મા છું, હું ભગવાન છું। આવા શરીરને ધારણ કરવું તે પણ કલંક છે, અશરીરી થઈ જાવ એવું મારે કરવાનું છે। મારો પુરુષાર્થ ચાલુ ને ચાલુ છે, આખું સ્વરૂપ જોઈ લીધું પછી મારે ક્યાંય જોવા જવું પડતું નથી, એટલે મેં આખો સંસાર જોઈ લીધો। જ્યારે જાગ્યા ત્યારથી સવાર, એકવાર જાગ્યા પછી મારે ઊંઘવું નથી, મારે પૂર્ણ જાગી જવું છે। દરેક આત્માનું સ્વરૂપ આવું છે, આત્માની વૃદ્ધિ થશે જ્યાં ચારિત્રની શરૂઆત થશે, ત્યાં ક્ષણ એકમાં બધું છોડીને ચાલ્યા જશે। ચક્રવર્તી જેવા પણ ક્ષણમાં છોડીને ચાલ્યા જાય છે, વનરાજાના વનમાં અવિરત ધ્યાનમાં લીન રહીને એવી સ્થિરતા આવે છે કે આત્માની પૂર્ણતા પામવાના છે। મને મારા સ્વરૂપની જ લીનતા થવાનો શું અવસર ક્યારે આવે, કે જે ધન્ય છે મહા મુનિરાજ જેમણે આવો શું અવસર જોયો છે। એ તો ઉસને અંતરંગ બહિરંગ સ્થિતિ કા વર્ણન કિયા। અભી જો પ્રશ્ન જો હૈ, જો સામાન્યતયા જીના ગમ મેં મિલના ભી મુશ્કિલ હૈ। પ્રશ્ન એ કે સવિકલ્પ દશા અને નિર્વિકલ્પ દશામાં આનંદમાં શું ફેર હોય? સવિકલ્પ દશા અને નિર્વિકલ્પ દશા આ શું છે? સવિકલ્પ દશા અને નિર્વિકલ્પ દશા બેનના શબ્દોમાં જોઈએ ઘણો જ ફેર છે। સવિકલ્પ દશા અને નિર્વિકલ્પ દશાના આનંદમાં શું ફેર, એ પ્રશ્ન છે, એનો ઉત્તર છે ઘણો જ ફેર છે। નિર્વિકલ્પ દશામાં આનંદની ઘણી જ વૃદ્ધિ થાય છે, નિર્વિકલ્પ દશામાં ઘણું જ સ્પષ્ટ અને અભેદ દ્રષ્ટિથી વૃદ્ધિ થાય છે। જાતમાં કાંઈ ફેર નથી, અભેદ પરિણતિ ઘણી જ વૃદ્ધિને પામે છે। સવિકલ્પ દશામાં આનંદ ઓછો પણ નિર્ણય પાકો થયો, આ શું? સવિકલ્પ દશા અને નિર્વિકલ્પ દશા, જીસ ભી જ્ઞાની કો નિર્વિકલ્પ દશા પ્રાપ્ત હોતી હૈ વો સવિકલ્પ દશા સે પસાર હોતા હૈ। એ દશા સબકો આતી હી હૈ, આયે બિના નિર્વિકલ્પતા નહીં હોતી, પર સવિકલ્પતા એક એસી વ્યવસ્થા હૈ જહાં પે જૈસા આત્મા હૈ, ज्ञानी जैसा आत्मा का अनुभव करता है वैसा आत्मा का भास अनुभव के पहले हो जाता है, जिसको क्या कहा, निर्णय पाको थे वो। जैसा आत्मा है वैसा भासित हो जाता है सविकल्प दशा में, निर्विकल्पता नहीं हुई,
आनंद का रसास्वादन नहीं हुआ, लेकिन निर्णय हो गया बस यह मैं। मोक्ष मार्ग जोयो, पोतानुं सुख अने शांतिनुं घर जोयुं, निर्विकल दशामां घणो ज आनंद थयो अने पोताना स्वस्वरूप घरमां प्रवेशी गयो। निर्विकलता के अंदर में घर में प्रवेश कर लिया और सविकलता में घर को देख लिया। एक में घर में प्रवेश है और एक में दिख गया ये मेरा घर। यदि जिनवाणी के माध्यम से, गुरुदेव श्री के माध्यम से इस बात की यदि अपन चर्चा करें तो इसको निर्विकल्प वत कहते हैं। सविकल्प दशा को निर्विकल्प नहीं है लेकिन निर्विकल्प वत है, वचनातीत है। सविकल्प स्वसंवेदन भी उनको कहने में आता है। वस्तु के सामने आकर वो खड़ा रह गया लेकिन वस्तु में प्रवेश नहीं हुआ। अनुभव के पश्चात विकल्प में आने से ज्ञानी को जैसा आत्मा का ख्याल आता है, अनुभव के पहले सविकल्प दशा में वैसा ही ख्याल आत्मार्थी को आ जाता है। अंतर इतना है कि एक को आनंद का वेदन है, इसको आनंद का वेदन नहीं है। मैंने निर्णय का आनंद वो एक विकल्पात्मक आनंद है, वो आनंद नहीं। जो निर्विकलता में जो आनंद है वो घर में घुस जाके स्वसंवेदन का आनंद है और सविकलता के अंदर में यथार्थ निर्णय हो गया, पक्का निर्णय हो गया बस यही मैं हूं। हम लोग जब 13 साल के थे, कलकत्ता से 4-5 बच्चे लोग काहनवाल मंडल के और ससीबाई इत्यादि सोनगढ़ गए थे। हम लोग का एक नित्य क्रम था कि बस गुरुदेव की चर्चा के पश्चात पूज्य बेन के पास जाना, बैठना। तो जब इन्होंने ये बात की थी सर्वप्रथम सविकल्प और निर्विकल्पता की, हम लोग तो सब चौकन्ने हो गए। तेरे ऐसा कौन सी स्थिति, निर्विकल्पता के पहले जैसी वस्तु है वैसी वस्तु ख्याल में आ जाए। फिर उस सारी चर्चा होने के बाद में उस समय तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहती है बहन, लेकिन बात कुछ अलौकिक है ऐसा तो सबको महसूस हुआ। फिर 2-3 दिन के बाद में बहनश्री और बहन दोनों बैठी थी, तब हम लोग का जाना हुआ। तो बहन ने बहनश्री को कहा कि आप इसके बारे में थोड़ा बताओ ना, सविकल्प निर्विकल्प का। और फिर बहनश्री ने इनका विस्तार किया और विस्तार करने के पश्चात ऐसा कहा, आ गुप्त वाच्य कोई ने केवानी नहीं, क्योंकि शास्त्र में इसका आधार नहीं है और गुरुदेव ने कहा नहीं जाहिर में। गुरुदेव की आज्ञा है कि बाहर में किसी को मत कहना, लेकिन अब ये हमारे मुंह से तो निकल गई बात, तो गुप्त वाच्य कोई ने करसो नहीं है। और बहनश्री ने उदाहरण दिया, कौन सा उदाहरण दिया कि सोनगढ़ के स्टेशन पे आप उतरे और आपने स्टेशन में पहली बार आए और स्टेशन मास्टर को पूछा कि गुरुदेव श्री क्या वसे छे, तो स्टेशन मास्टर तुमने रस्तो देखा दीजिए भाई, सीधा जाओ पची जमणा तरफ वड़जो, पची एक गाठियानी दुकान आवशे न्याथी दाबा तरफ वड़जो, न्याथी मानसतम देखाशे, रस्ता ऊपर आगळ जाजो, ब्रह्मचर्य आश्रम आवशे, न्याथी स्वाध्याय मंदिर ना नड़िया देखाशे। ये स्वाध्याय मंदिर में अंदर में जे डाबी तरफ जे जमणी तरफ नो जे रूम छे एमां गुरुदेव वसे छे। चल पड़े उस रस्ते से, एक एक चिन्ह मळता गया, चुरायो आयो, गाम आयो, गाठियानी दुकान आवी, मानसतम देखाणो, समिति देखाणी, आश्रम देखाणो, न्याथी सोनगढ़ना नड़िया देखाणो, स्वाध्याय मंदिरना, हाँ आमा गुरुदेव वसे छे। फिर यदि बैठ गया तो गया काम से, मने स्वाध्याय मंदिर ना नड़ियानी साथे काई काम नथी, मने तो गुरुदेव नु काम छे। और वो बस वो वहां पे भी रुके बिना यदि स्वाध्याय मंदिर में चला जाए
और जहाँ पे गुरुदेव विराजमान है बस गुरुदेव का जाके पांव पकड़ ले, तब जिसको हंसकारा हो वो गुरुदेव का सच्चा भक्त, और स्वाध्याय मंदिर को देखकर जिसको हंसकारा हो जाए वो गुरुदेव तक नहीं पहुँच सकता। ऐसे निर्विकल्प स्वभावी भगवान आत्मा के पास जाने के लिए सारे मार्ग के चिन्ह को देखते समझते सविकल दशा तक पहुंच गया आ भगवान आत्मा, और यदि हास्कारा हो गया तो ऐसी स्थिति अनंत काल में अनंत बार हुई है। हमें तो गुरुदेव से मतलब है, हमें तो ज्ञायक गुरुदेव से मतलब है, वो बस वहां पे रुके नहीं। ये स्थिति आती है लेकिन वो रुकता नहीं है, सड़सड़ाट चला जाता है, मने मिनिटोनी अंदर में स्थिति मती पसार थी जाए अने स्वभाव में पूछी जाए आ गया गुरुदेव, तो आ गया निर्विकल्प आनंद। अब उसके पहले की स्थिति सविकल्प, वो परिस्थिति निर्विकल्प। अब ये निर्विकल्प होने के पहले सविकल्प स्थिति नहीं आवे ऐसा भी नहीं होता, लेकिन आवे और रुके नहीं, सड़सड़ाट अंदर में चला जाए, उसको ज्ञानी लोग लक्ष्यगत भी कहते हैं। इस सविकल्प दशा को ये परिस्थिति आती, इनका वर्णन बेन ने बहुत किया है, अद्भुत परिस्थिति है, अलौकिक परिस्थिति है। फिर बेन ने जब बेनश्री की बात समाप्त हुई तो फिर बेन ने दूसरा दृष्टांत दिया कि भाई तू नावा बैठो छो, आखा शरीर साबु लगाड़ो छे, आखू शरीर चिकणू थई गयू छे, અને એમાં સાબુ હાથમાંથી સરકી ગયો, મોઢે પણ સાબુ લગાડેલો છે, આંખ બંધ છે અને સાબુ લે છે, હાથમાં આવે છે અને સરકે છે, હાથમાં આવે છે અને સરકે છે, જ્યાં ઝડપથી પકડી લે છે, નિર્વિકલ્પ આનંદ છે। એટલે જે ગાયકની અંદરમાં રસ તરબોળ થઈ ગયો છે, ઓતપ્રોત થઈ ગયો છે, એનાથી ભીંજાઈ ગયો છે અને શ્રદ્ધાનો દરવાજો ખુલી ગયો છે, આંખ બંધ છે, અને સ્વભાવની ઉપર ઝડપ મારે છે કે હું પરમાત્મા, એટલે સ્વભાવની ઉપર દબાવ આવે છે અને અનુભૂતિ થઈ જાય છે। ઓર દોનો બહેનોને વાત કી, ઉસકે ઠીક દો સાલ બાદ ગુરુદેવશ્રીને જબ એ વાત કહી એકાંત મેં ગુરુદેવ કે રૂમમાં બેઠતે હુએ કે આ માર્ગ છે, આ માર્ગમાં આવું થાય છે, આવું આવે છે, तब हम सब लोग का हर्ष कोई अपार अपार, अरे बे वर्ष पहला बात सांभी थी, आज गुरुदेव ये बात की थी, अपना तो भाग्य खुली गया। वहाँ से निकले सब को दौड़ते दौड़ते गए दोनों बहनों के पास के आज गुरुदेव आ बात करी, तो हमने पण हर्ष अत्यंत अपार के जो योग्यता हो तो गुरु पास थी मड़ी जाए, मांगवू नहीं पड़त। देखिए क्या कहते इसमें, નિર્વિકલ્પ દશામાં ઘણો જ આનંદ થાય અને પોતાના સ્વરૂપરૂપ ઘરમાં પ્રવેશી ગયો, અભેદ એક ચૈતન્ય રસનો જ આનંદ આવે છે। સવિકલ્પ દશામાં શરૂઆતમાં નિર્વિકલ્પ દશા માટે ઘણો જ પુરુષાર્થ કરવો પડે છે, પછી સહજ થઈ જાય છે। આ વ્યવસ્થા સહજ છે, પુરુષાર્થ કરવો પડે છે એ ઉપદેશના વચન છે, અને સહજ થાય છે એ વ્યવસ્થા છે। જો ઉપદેશના વચનોની અંદરમાં બીજું કાંઈ કહી શકાતું નથી, એટલે એની અંદરમાં પ્રયત્ન કર, પુરુષાર્થ કર, સ્વભાવ તરફ વળ, ઉપયોગને સ્વભાવ તરફ લઈ આવ, આ બધા વચનો જે કાંઈ પણ જીનવાણીમાં જ્ઞાનીઓના માધ્યમથી કહેવામાં આવ્યા છે એ ફક્ત ઉપદેશ અને ફક્ત ઉપદેશના વચન છે। કામ એ રીતે નથી થતું, કામ તો સહજતાથી થાય છે, સ્વભાવના જોરે, ગાયક તત્વના જોરે, પરિપૂર્ણ તત્વના જોરે અનુભૂતિ સહજ માત્રમાં અકસ્માતપણે થઈ જાય છે, પ્રયત્નથી નથી થતી, અનુભૂતિ અકસ્માતથી થાય છે। એટલે જે અનુભવનો પ્રયત્ન કરવા માંગે છે એને અનુભવ નથી થતો, અને હું અનુભવની મૂર્તિ છું એવું માને છે, એવું સમજે છે, એવો નિર્ણય કરે છે, એને અનુભવ થયા વિના રહેતો નથી, પછી સહજ થઈ જાય છે। હવે તો ગાઢ થઈ ગયું છે,
અનુભવ થતાં 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 ગાઢ થઈ જાય છે, પ્રગાઢ થઈ જાય છે. આવા સુંદર સરસ આત્મા પાસે વિકલ્પ આવે છે તે અસુહામણા લાગે છે. એસા સુંદર ભગવાન આત્મા પર અપની કમજોરી સે વિકલ્પ આતે હૈ તો સુહાને નહીં લગતે, અસુહાને લગતે હૈ. તો ફિર પ્રશ્ન, હુંમાં આનંદ રહે ખરો? ઉત્તર, સુઈ જાય ત્યારે જ્ઞાનની પરિણતિ એમને એમ જ રહે છે. એક બાર આત્મા કી અનુભૂતિ હુઈ તો એક પરિણતિ જન્મ લે લેતી હૈ, ઓર એ પરિણતિ એસી હોતી હૈ કે સ્વભાવ કો કભી ભી નહીં છોડતી, કિસી ભી વક્ત કિસી ભી પરિસ્થિતિઓ મે કિસી ભી પરિણામો મે એ પરિણતિ સ્વભાવ કો નહીં છોડતી હૈ. એસી એક પરિણતિ કા જન્મ સમ્યક દર્શન હોતે હી હો જાતા હૈ. और उसके अंदर में आत्मा कभी नहीं छूटता, इसलिए ज्ञानियों को पर्याय दृष्टि कभी नहीं होती. चाहे पर्याय की चर्चा कितनी ही कर ले, लेकिन पर्याय दृष्टि नहीं होती, उसमें वजन नहीं आता. देखिए समय सार कितना, मैं ज्ञायक हूँ तो समय सार पूरा हो गया. अब इसके आगे और कुछ समय सार में है नहीं. अब उससे आगे यदि आपको कुछ कहना होगा तो आपको भेद करना होगा. क्या भेद होगा? ज्ञायक में ज्ञान है, ज्ञायक में दर्शन है, ज्ञायक में चरित्र है. अब इससे भी बात समझ में नहीं आई तो और भेद करना होगा. ज्ञान का कार्य जानना, दर्शन का देखना, चरित्र की स्थिरता. इसमें भी बात नहीं बनी तो फिर सात तत्वों की चर्चा, कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा हो जाएगा, 412 गाथा तक का विस्तार. लेकिन ये सबका तात्पर्य क्या है? मैं ज्ञायक हूँ. इससे सारी जिनवाणी का 12 अंगों का सार क्या है? मैं परिपूर्ण परमात्मा तत्व हूँ. अनंत तीर्थंकर परमात्मा की अनंत ओम ध्वनि का सार, मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ, इतना सा ही है. और उसमें वजन आए बिना, उसके ऊपर दबाव आए बिना, उसके ऊपर जोर आए बिना, उसके ऊपर वजन आए बिना अनुभूति नहीं हो सकती. अनुभूति करना चाहे उसको भी अनुभूति नहीं होती, और स्वभाव के ऊपर वजन नहीं दे उसको भी अनुभूति नहीं होती. क्योंकि यहाँ पे मायने रखता उनका सारा का सारा अभिप्राय. अभिप्राय के अंदर में क्या है? यदि जिसको अभिप्राय के अंदर में मैं परमात्मा तत्व हूँ तो उसको सिद्ध और संसारी में कोई अंतर नहीं दिखता. उसके पास में कोई नई नहीं होता. जिसके पास में कोई नई नहीं होता उसका नाम शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसी को नहीं कहा है. शुद्ध नहीं ये कहता है कि वस्तु नयातीत है, ये नहीं ये कहता है कि वस्तु नयातीत है. ऐसा कहने वाला एकमात्र शुद्ध नहीं है जो नयातीत वस्तु को बतलाती है. जो वस्तु को नयातीत समझता उसके पास में नई नहीं होती, उसी को शुद्ध नहीं का पक्ष होता है. क्योंकि नई का स्वभाव सापेक्ष है, वस्तु का स्वभाव निरपेक्ष है. अब निरपेक्ष वस्तु अपेक्षा से समझी नहीं जाती. સુઈ જાય ત્યારે જ્ઞાનની પરિણતિ એમને એમ જ રહે છે, અને ઊંઘ આવે નહીં. મને ઊંઘ બહુ આવી તે જાણ્યું કોણે? જાણનારાએ જાણ્યું કે મને બહુ ઊંઘ આવી, તે જ્ઞાનની પરિણતિને ઊંઘ આવે નહીં. પરિણતિ તો જે પ્રગટ થઈ તે થઈ, હવે મોક્ષ લઈને છોડશે. પરિણતિ નિરંતર ચાલુ રહે, એ નિરંતર રહેને વાલી વસ્તુ હૈ. ઉપયોગ ક્યારેક ક્યારેક, પરિણતિ નિરંતર. શુદ્ધોપયોગ ક્યારેક ક્યારેક, પરિણતિ નિરંતર. તે પ્રગટ લબ્ધ રહે. જે પરિણતિ છે એ પ્રગટ લબ્ધ રહે. સ્વયંસમની શક્તિ તો આપણે યાદ કરીએ ત્યારે યાદ આવે,
અને આ તો નાયકની પરિણતિ નિરંતર ચાલુ જ રહે, નિરંતર ચાલુ જ રહે. દેખીએ સમ્યક દર્શન કા મહિમા ક્યો હૈ, નિરંતર ચાલુ જ રહે, બોલતા ચાલતા ઉઠતા બેસતા નિરંતર પ્રગટ જ રહે, ઇસકા નામ પરિણતિ હૈ. પ્રગટ જ રહે સમ્યક દર્શન જ્ઞાનની પરિણતિ નિરંતર ચાલુ જ રહે તે પર સાથે એકમેક થાય નહીં, ઉપયોગમાં ન હોય તો પણ ચાલુ જ રહે, ઇનકા નામ પરિણતિ. ઉપયોગાત્મક ન હો લેકિન પરિણતિ નિરંતર ચાલુ રહેતી. જિસને એક બાર ઘર દેખ લિયા ઉસકો બાર બાર ઘર કે બારે મેં વિચાર નહીં કરના પડતા. મુનિરાજ કો મેં પરમાત્મા હું એસા વિકલ્પ કરે ઓર અનુભૂતિ હો એસા નહીં હૈ, બિના વિકલ્પ હી સ્વભાવ કે અંદર મેં ચલે જાતે હૈ. ગુરુદેવશ્રી તો કહેતે હો આચાર્ય ભગવાન લિખતે હૈ શુદ્ધ, સુ લિખા ઓર ધ લિખા ઉસકે બીચ મેં અનુભૂતિ હો જાતી. સ્વભાવ કી ગરિમા એસી અલૌકિક હૈ, સ્વભાવ કી દ્રષ્ટિ એસી પહેની હોતી હૈ, જો ફટાક સે સ્વભાવ મેં ચલે જાતે હૈ. વિકલ્પ શુદ્ધ પરિણતિને કાંઈ નુકસાન કરે નહીં. વિકલ્પ જો હૈ એ જો શુદ્ધ પરિણતિ જો પ્રગટ હોય ઉસકો કોઈ નુકસાન નહીં કરતા. પરિણતિ એવી અડગ થઈ જવી જોઈએ કે ને ગમે તેવા વિકલ્પ પણ કાંઈ કરી શકે નહીં, તે જ પુરુષાર્થ કરવાનો છે. અને કાંઈ અસર થાય નહીં તેવી પરિણતિને અડગપણે રાખવાનો ખૂબ ખૂબ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ બી ઉપદેશ કી બાત હૈ કે ખૂબ ખૂબ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સ્વભાવ કી અનુભૂતિ જિસે હુઈ એસે એ પરિણતિ પ્રગટ હો જાતી હૈ, પરિણતિ પ્રગટ હોતી ઉસકી નિરંતરતા રહેતી હૈ, અવિલંબપણે સતત ધારાવાહી નિરંતર વો અપને સ્વભાવ કો નહીં છોડતી. મેં પરમાત્મા હું એ બાત કભી ભી ભૂલતે નહીં હૈ. ખાતા પીતા ઉડતા બેસતા હાલતા ચાલતા સૂતા દરેક પરિસ્થિતિની અંદરમાં પરિણતિ નાયકને વળગી રહે છે. એવી જ્ઞાનીઓની અદ્ભુતમાં અદ્ભુત, અલૌકિકમાં અલૌકિક પરિસ્થિતિ હોય છે. આ સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ દિશાનો વિસ્તાર આગળના પ્રશ્નોમાં પણ ઘણો સારો કર્યો છે, એ આપણે હવે કાલે લઈશું.